हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज तो कॉलेज नहीं है हमारा, बाकियों का है, हमारा नहीं, लास्ट ईयर है तो। और आज हम जा रहे हैं मार्केट क्योंकि मेरे एक दोस्त को ट्राइपॉड लेना है और मेरे से 3 महीने पहले इसने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था और इसे ट्राइपॉड का जरूरत है लेकिन मुझे अभी है नहीं, अगर इन फ्यूचर हुआ तो हम भी लेंगे। इसके साथ चलते हैं आज ट्राइपॉड लेने। और बाहर जाते हुए तो गन्ने का जूस पीना इज नेसेसरी, इतना धूप है तो चलिए पहले गन्ने का जूस पीते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र शुरू करेंगे। ठीक है, चलते हैं। और मैं ट्राई करता हूँ कि रोज़ एक ब्लॉग डालूँ लेकिन जब कॉलेज होता नहीं ना है तो ऐसे कंटिन्यू नहीं हो पाता है क्योंकि वही सुबह उठना, नाश्ता करना, रूम पे आना, सोना, खाना, पढ़ना। तो इसमें ब्लॉग बनाना, मैं खुद बोर हो जाता हूँ तो ब्लॉग में दिखा करके आप लोग को क्यों बोर करना। तो जिस दिन क्लास होता है या फिर जिस दिन कहीं बाहर गए उस दिन ब्लॉग बनाना मतलब सही लगता है। तो अभी जाते हैं गन्ने का जूस पीते हैं। सो गन्ने का जूस पीने के बाद अभी रास्ते के लिए पराठा ले रहे हैं। सुबह नाश्ता किया था लेकिन मे भी भूख लग जाए तो उसके लिए पनीर पराठा पैक करा रहे हैं। आता है उसके बाद बस पकड़ते हैं तो चलते हैं क्योंकि देहरादून में 2 मार्केट है ना, एक है वो क्या है पल्टन और इंदिरा मार्केट। तो इंदिरा मार्केट में गैजेट्स वगैरह सस्ते मिलते हैं और पल्टन में कपड़े। तो चलते हैं इंदिरा मार्केट आज। सो हमारा पराठा आ गया है, चलते हैं बस पकड़ने। तो अभी बस तो पकड़े थे लेकिन उनके पास ऑनलाइन नहीं था और हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं था तो हमें बीच रास्ते में उतार दिया उन्होंने, बोला कि उतर जाओ बस से। तो अभी पैदल भटक रहे हैं, दूसरे बस का इंतज़ार करेंगे और दूसरे बस से फिर जाते हैं। और आखिरकार हमें मैजिक मिल ही गई थोड़ा दिन पैदल चलने के बाद। अब पहुँचते कर लो गुस्सा हमको क्या है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए इंदिरा मार्केट, ये रहा, अब अंदर चलते हैं। शॉप के अंदर इसलिए वीडियो नहीं बनाते क्योंकि बहुत शॉप वाले अलाउ करते नहीं, तो अभी इसका कॉलेज जाते रिव्यू करते फिर। चलिए, सो अभी हम लोग इतना देर घूमने के बाद इंदिरा मार्केट से निकल गए हैं और इतना देर घूमने के बाद हमें लग गई है भूख। तो हम लोग जा रहे हैं घंटाघर का सबसे फेमस शॉप कुमार स्वीट्स। यहाँ का रसमलाई हमको सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें मीठा तो ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन यहाँ का रसमलाई मुझे ज़्यादा पसंद है, वो भी केसर का। चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। सो फाइनली हम DIT पहुंच गए हैं लेकिन आने में इतना ज़्यादा परेशानी हुआ ना, मतलब आज का दिन ही ख़राब था। सुबह जाने में बस वाला उतार दिया और आने के समय, मतलब अभी इलेक्शन है ना तो मंत्री वंत्री आ रहे हैं तो वो रोड ब्लॉक था कई जगह, तो पता नहीं कैसे 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 करके आए DIT। अभी जाते हैं गन्ने का जूस पीते हैं फिर मिलते। सो फाइनली DIT पहुँच गए हैं, अब चलते हैं ट्राइपॉड को अनबॉक्स करते हैं। इसके साथ मिलता है ये मैनुअल जो हमें, हमारा कोई काम नहीं है।
ब्लूटूथ भी है, ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। सो फाइनली मैं अपने रूम पे पहुंच गया और आज का शॉपिंग डन हो गया। मेरा फ्रेंड चला गया अपने रूम पे और मैं अपने रूम पे आ गया। जो सुकून और अपने रूम पे आके मिलता है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। मतलब इतने धूप के बाद, इतने घूमने फिरने के बाद जो सुकून अपने घर पे आके मिलता है ना, वो कहीं नहीं है। और पिछले 2 दिनों से ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि छुट्टी था और मैं कहीं जा नहीं रहा था। और रूम पे रहता हूँ तो बस वही खाना पीना, उठना, मूवी देखना, पढ़ाई करना, बस यही होता है। तो उसमें ब्लॉग दिखाऊंगा, मैं वह करते करते खुद बोर हो जाता हूँ तो मैं उसका ब्लॉग नहीं बना सकता हूँ। ऐसे ट्राई करता हूँ कि रोज़ बनाऊँ लेकिन हो नहीं पाता है। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।